क्या मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के पीएम थे? क्या पीएम मोदी 2019 का चुनाव जीत पाएंगे? दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर की आखिरी किताब में इन बातों का जिक्र किया गया है। आपको बताएं कि फ्रॉम जिन्ना टू मोदी नाम की किताब में आजादी से पहले और आजादी के बाद के भारत और पाकिस्तान में कुलदीप नैयर ने राजनीतिक, फिल्म और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हस्तियों के बेबाक अनुभव साझा किए। फ्रॉम जिन्ना टू मोदी, दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर की आखिरी किताब का नाम जितना बेबाक है, उतनी ही बेबाकी और साफगोई से इस किताब को लिखा गया है। अपनी मृत्यु से 3 हफ्ते पहले नैयर ने इस किताब को पब्लिशिंग के लिए भेजा था। इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने किया। He never looked back, never compromised his views. In fact, had very strong views, learning from that experience. His narration of the story of emergency in his book The Judgment again became the bestseller. किताब के विमोचन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी आना था, लेकिन कुलदीप नैयर के पुत्र राजीव के मुताबिक मनमोहन के बारे में ये लिखा जाना कि वो सभी फाइल्स सोनिया गांधी के पास भेजा करते थे, इस बात पर एतराज जताते हुए मनमोहन सिंह ने आने से इनकार कर दिया। मनमोहन सिंह जी ने आज आना था, पर उनके बारे में एक रेफरेंस है कि वो फाइलें सोनिया गांधी के पास भेजते थे, इसलिए उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए ये बुक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सी है, सबके बारे में ऑब्जेक्टिवली लिखा है और बिना डर के लिखा है, जो उनका स्टाइल था। किताब में मोहम्मद अली जिन्ना पर भी एक चैप्टर है, तो मीना कुमारी पर भी, जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र है और 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की हार जीत की संभावनाओं का आकलन भी। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।